हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 वर्क बुक में क्वेश्चन नंबर 15 मतलब कि पेज नंबर 11 तक कंप्लीट किया था, राइट? और अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज दैट? 3 किलोग्राम मैंगोज आर कंज्यूम्ड एट दिनकर भाईस होम डेली इन समर। मतलब कि 3 किलोग्राम मैंगोज है वो दिनकर भाई के घर में हर रोज आती है समर में। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम मैंगो इज ₹80, देन हाउ मच मनी डज ही स्पेंड डेली फॉर मैंगोज। अगर 1 किलोग्राम मैंगो के ₹80 है तो वो हर रोज कितने रुपीस मैंगोज के देते होंगे, राइट? उसमें ए वाला क्या है? हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 वीक। 1 वीक में वो कितने रुपीस देते होंगे? एंड बी, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 मंथ। 1 मंथ में वो कितने रुपीस देते होंगे? उसमें हमें इंटर क्या दी है? कंसिडर 30 डेज इन 1 मंथ। 1 मंथ में हमें 30 डेज काउंट करना है, राइट? पहले तो हम क्या काउंट करेंगे कि देखो, हर रोज दिनकर भाई के घर में 3 किलोग्राम मैंगोज आती है, राइट? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3, एंड 1 किलोग्राम मैंगो के कितने रुपीस है? 80 रुपीस। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 × 80 इज इक्वल टू ₹240। तो हमें यहाँ पर जो पूछा है उसका आंसर मिल गया, राइट? कि हाउ मच मनी डज ही स्पेंड डेली फॉर मैंगोज, तो उसमें क्या आएगा? ₹240। धैन ए वाला हमें दिया है 1 वीक में कितने रुपीस वो देते होंगे, तो हम क्या करेंगे? देखो, 1 वीक इज इक्वल टू क्या होंगे? 7 डेज, राइट? तो 1 डे में वो 3 किलोग्राम मैंगोज खरीदते हैं, तो 7 डेज में कितने किलोग्राम मैंगोज खरीदते होंगे? 7 × 3 = 21 किलोग्राम मैंगोज, राइट? पर 1 किलोग्राम मैंगो के रुपीस है 80, देन 21 किलोग्राम के कितने रुपीस होंगे? क्या करेंगे? 21 × 80, यहाँ पर हमने किया है देखो, राइट? देन व्हाट इज द आंसर? ₹1680। देन बी वाला हमें क्या पूछा है कि 1 मंथ में वो कितने पैसे देते होंगे, तो क्या आएगा? 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, हमें बोला था कि 30 डेज काउंट करना है। देन 1 डे इक्वल टू 3 किलोग्राम मैंगोज, तो 3 × 30 करेंगे तो हमें पूरे मंथ का मिल जाएगा, राइट? तो 3 × 30 इक्वल टू 90 किलोग्राम मैंगोज। पर हमें बोला है कि 1 किलोग्राम के रुपीस 80 है, तो 90 के कितने होंगे? 90 × 80 इज इक्वल टू ₹7200। तो हमने ये वाला 16 वाला सम है वो कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 इज, इफ द वेट ऑफ ए बॉक्स ऑफ मैंगोज इज 12 किलोग्राम। एक मैंगो का बॉक्स है, उसका वेट कितना है? 12 किलोग्राम। देन व्हाट इज द वेट ऑफ 20 सच बॉक्सेस? ऐसे 20 बॉक्स होंगे तो उसका वेट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ए वाला क्या है? इफ 1 मैंगो वेट्स 200 ग्राम, देन हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 1 बॉक्स। अगर 1 मैंगो का वेट है 200 ग्राम, देन पूरे बॉक्स में कितनी मैंगोज होगी वो हमें देखना है। तो पहले हम क्या करेंगे? देखो, 1 बॉक्स में कितनी मैंगोज है? 12 किलोग्राम, राइट? देन 20 बॉक्स में कितने किलोग्राम होंगे, तो वो हम क्या करेंगे? 20 × 12 इज इक्वल टू 240 किलोग्राम। देन ए वाले का आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे? 1 किलोग्राम का वेट है 200 ग्राम, राइट? तो पूरा हमें बॉक्स का फाइंड करना है। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम मैंगोस है वो 1 बॉक्स में है, तो हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 × 1000 इज इक्वल टू 12000 ग्राम। फिर क्या करेंगे कि 12000 और उससे डिवाइड करेंगे 200 से, देन द आंसर इज 60 मैंगोज। कितने मैंगोज हो गए बॉक्स में? 60। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोला है? देर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम एंड वी डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगोज टू ईच स्टूडेंट।
टोटल 42 स्टूडेंट्स क्लासरूम में है और हम लोग 3 मैंगोस हर एक बच्चे को देते हैं, राइट। इफ देर आर 18 मैंगोस इन वन बास्केट देन हाउ मेनी बास्केट्स विल बी नीडेड। अगर वन बास्केट में 18 मैंगोस है तो हमें ऐसे कितने बास्केट्स चाहिए होंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 42 मल्टीप्लाई बाई 3, राइट, क्योंकि हम 42 स्टूडेंट्स को हर एक को 3 मैंगोस दे रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 126 मैंगोस। देन क्या करेंगे कि 18 मैंगोस वो वन बास्केट में है, देन 126 मैंगोस कितने बास्केट में होंगे, राइट। तो क्या करेंगे, 126 मल्टीप्लाई बाय 1, डिवीजन में क्या आएगा 18। तो हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे, 126 डिवाइड बाय 18, 18 सेवन सा 126, इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 0, देन व्हाट इज द आंसर, 7। तो क्या आएगा, 7 बास्केट्स हमें ऐसे चाहिए होंगे, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 19 इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बिलो। में जो नीचे टेबल दिया गया है उसके हिसाब से हमें आंसर्स देने हैं। उसमें 3 कॉलम्स दी गई है, उसमें क्या क्या दिया है, टाइप ऑफ व्हीकल, कैपेसिटी टू कैरी मैंगोज इन वन ट्रिप एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल पर आवर। उसमें पहले क्या बोला है, ए बुलॉक कार्ट, उसकी वन ट्रिप में मैंगोज कैरी करने की कैपेसिटी कितनी है, 200 किलोग्राम। देन व्हीकल जो वन आवर में जाता है उसकी स्पीड हमें क्या बोली है कि वन आवर में वो 5 किलोमीटर से चलता है। देन ए टेम्पो रिक्शो, उसकी कैपेसिटी है 700 किलोग्राम एंड वन आवर में वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस है वो काटता है। देन ए ट्रैक्टर, उसकी कैपेसिटी है 1000 किलोग्राम इन वन ट्रिप और उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। देन ए ट्रक, उसकी कैपेसिटी वन ट्रिप की है 6000 किलोग्राम और उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। उस पे से हमें क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट वाला क्या है, देखो, हाउ मच मैंगोज विल ए बुलॉक कार्ट कैरी इन 3 ट्रिप्स। बुलॉक कार्ट है वो 3 ट्रिप्स में कितने मैंगोज कैरी करेगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, वन ट्रिप कैरीज 200 किलोग्राम, यहाँ पर हमें दिया गया है, राइट। बुलॉक कार्ट की कैपेसिटी है 200 किलोग्राम, तो वन ट्रिप कैरीज 200 किलोग्राम, देन 3 ट्रिप्स कैरीज हाउ मच, तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 200, आंसर आएगा 600 किलोग्राम। देन सेकंड वन क्या दिया है, हाउ मच मैंगोज विल ए ट्रैक्टर कैरी इन 5 ट्रिप्स। ट्रैक्टर है वो 5 ट्रिप्स में कितनी मैंगोज कैरी करेगा, तो वन ट्रिप कैरीज 1000 किलोग्राम, देन 5 ट्रिप्स कैरीज हाउ मच, तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, देन द आंसर इज 5000 किलोग्राम। देन थर्ड वाला है, वॉट डिस्टेंस विल अ टेम्पो रिक्शो ट्रैवल इन 4 आवर्स। यहाँ पर हमें टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपको टेबल में देखते रहना है कि वन आवर में टेम्पो रिक्शो है वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस है वो काटता है, देन 4 आवर्स में कितना होगा, तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 15, देन व्हाट इज द आंसर, 60 किलोमीटर। देन फोर्थ वन इज, वॉट डिस्टेंस विल अ ट्रक ट्रैवल इन 2 आवर्स। ट्रक है वो 2 आवर्स में कितने डिस्टेंस काटेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर में वो 45 किलोमीटर काटता है, तो 2 आवर में कितना होगा, तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 45, देन द आंसर इज 90 किलोमीटर। एंड फिफ्थ वन इज, हाउ मच टाइम विल ए बुलॉक कार्ट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर। बुलॉक कार्ट है वो 70 किलोमीटर डिस्टेंस है वो काटने के लिए कितना टाइम लेगा, तो हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर में बुलॉक कार्ट 5 किलोमीटर डिस्टेंस काटता है, तो हम यहाँ पर उल्टा करेंगे कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, देन 70 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी, तो क्या होगा, 70 मल्टीप्लाई बाई 1 और डिवीज़न में आएगा 5, तो हम 70 और 5 का डिवीज़न करेंगे, देखो यहाँ पर किया है और यहाँ पर हमें आंसर मिला है, व्हाट इज़ आंसर, 14 आवर्स, क्या आएगा आंसर, 14 आवर्स।
सिक्स्थ वन हमें क्या बोला है, हाउ मच टाइम विल अ ट्रैक्टर टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। ट्रैक्टर है 100 किलोमीटर डिस्टेंस काटने के लिए कितना टाइम लेगा, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे 25 किलोमीटर इक्वल टू 1 आवर, देन 100 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1 और डिवीजन में आएगा 25, इसका हम डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, तो क्या आएगा 4 आवर्स, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज स्नेहा काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय ए रोड। स्नेहा क्या करती है कि जो व्हीकल्स रोड से पास होते हैं वो काउंट करती है। 2000 व्हीकल्स पास्ड बाय इन 2 आवर्स, 2000 व्हीकल है वो 2 आवर्स में पास हुए हैं। 1/2 ऑफ द व्हीकल्स वेर कार्स, उसमें से 1/2 थे वो कार्स थे। देन 1/4 ऑफ देम वेर ऑटो रिक्शोस, 1/4 पार्ट है वो ऑटो रिक्शो थी। एंड द रिमेनिंग वेर ट्रक्स, और जो बाकी बचे थे वो ट्रक्स थे। फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ ईच टाइप, हमें क्या करना है कि जो ईच व्हीकल है उसके नंबर्स फाइंड करने हैं। हम पहले क्या करेंगे, टोटल व्हीकल्स वो हमें क्या दिए गए हैं यहाँ पर 2000, राइट। देन टोटल व्हीकल्स इज इक्वल टू 2000। फिर हमें क्या बोला है कि 1/2 ऑफ द व्हीकल्स वेयर कार्स, कार्स कितने थी 1/2, तो हम क्या करेंगे कार्स इज इक्वल टू 1/2 और मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2000, तो हम ये 2000 का 2 से डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1000, राइट। तो कार्स कितनी होगी 1000। देन क्या बोला है कि 1/4 ऑफ देम वे ऑटो रिक्शोस, 1/4, तो क्या करेंगे ऑटो रिक्शो इक्वल टू 1/4, क्वार्टर मतलब कि 1/4 पार्ट, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो 2000 और 4 का डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 500, तो ऑटो रिक्शो कितनी होगी 500। फिर हमें क्या बोला है कि रिमेनिंग वे ट्रक्स, जो बाकी बचा होगा वो ट्रक्स होगा, पर हमें पहले क्या करना होगा कार्स एंड ऑटो रिक्शो का एडिशन करना होगा, तो यहाँ पर हम करते हैं देखो कार्स प्लस ऑटो रिक्शोस, कार्स कितनी मिली 1000 यहाँ पर लिखी, देन ऑटो रिक्शो 500, तो उन दोनों का एडिशन हुआ 1500। एंड अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग थी वो ट्रक्स थे, तो हम क्या करेंगे टोटल में से हमें जो कार्स और ऑटो रिक्शो का एडिशन मिला वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2000 माइनस 1500 इज इक्वल टू 500 ट्रक्स, तो हमें यहाँ पर तीनों के नंबर्स मिल गए, कार्स ऑटो रिक्शो एंड ट्रक्स, राइट। तो ये आ गया आप लोगों का आंसर। देन ए वाला क्या बोला है, 150 व्हीकल्स पास्ड बाय ए विलेज रोड इन 2 आवर्स, 150 व्हीकल्स विलेज रोड से 2 आवर्स में पास होते हैं। आउट ऑफ दीज 1/3 ऑफ व्हीकल्स वेयर स्कूटर्स, उसमें से 1/3 है वो स्कूटर्स है। 1/5 ऑफ देम वेयर बुलॉक कार्ट्स, 1/5 पार्ट के बुलॉक कार्ट्स है। एंड द रिमेनिंग वेयर ट्रैक्टर्स, और जो बाकी बचे हैं वो ट्रैक्टर्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ ईच टाइप, पहले के जैसे ही हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो बाकी बचा है वो व्हीकल है वो ट्रैक्टर है, तो पहले हम क्या करेंगे टोटल व्हीकल्स इज इक्वल टू 150, उसमें से 1/3 है वो स्कूटर्स है, राइट। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे स्कूटर्स इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 150, तो 150 और डिवीजन में 3, तो इसका डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 50, तो स्कूटर्स कितने होंगे 50। देन 1/5 ऑफ देम वेर बुलॉक कार्स, बुलॉक कार्स कितने हैं 1/5 पार्ट के, तो बुलॉक कार्स इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लीकेशन में आएगा 150, तो 150 और 5 इससे हमें डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 30, तो बुलॉक कार्स कितने होंगे 30। तो अगले के जैसे ही हम यहाँ पर स्कूटर्स और बुलॉक कार्ट्स का एडिशन करेंगे, स्कूटर्स का आंसर हमें क्या मिला है 50 और बुलॉक कार्ट्स का 30,
तो 50 + 30 = 80। और हमें क्या बोला कि रिमेनिंग वेयर ट्रैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से स्कूटर और ब्लू कार्ट्स का जो आंसर मिला है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 150 - 80 तो आंसर क्या आएगा, 70। तो ये हमें आंसर्स मिल गए, राइट। स्कूटर्स है वो 50, ब्लू कार्ट्स है वो 30 एंड 70 क्या आएगा, ट्रैक्टर्स, राइट। तो ये हमें सभी आंसर्स मिल गए।